15 साल से सजा काट रहा, पहले उसको आजीव मतलब लाइफ मतलब उसको फांसी की सजा हुई, कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी, बाद में अपील पर उस सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया और 15 साल से सजा काट रहा है। वो खूंखार अपराधी है और वो भी है, उसकी पत्नी भी अपराधी है, उसमें एक बार MP भी बन गए थे। तो ऐसे खूंखार अपराधी और वो भी जिसने दलित अधिकारी की हत्या की है, तो दलित समाज नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगा। और लालू यादव ने जिस तरह से भाड़ में जाए, कोई सरकार आए क्या नहीं आए हमें मतलब नहीं है। तो अगर हम मैं तो चाहूँगा कि BJP को वोट नहीं देना है तो दलित समाज घर से बाहर नहीं निकला, बेशक इनको वोट मन दे, ये जाने इनका काम जाने, लेकिन किसी भी कीमत पे अब दलित समाज नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा। जिस तरह से उसने इलेक्शन के लिए चालक चले गए, 4% वहाँ पर ठाकुर आए, 4% ठाकुर और लालू को लड़के को और उसको जिता सकते हैं तो वो जिताएं। मैं नहीं समझता कि बिहार का कोई समझदार या दानिशमंद कोई दलित है वो इसको वोट देगा। तो क्या सर, जो बिहार में जो नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, क्या इनको दलितों को वोट नहीं चाहिए? नहीं, इसका तो मतलब साफ है, उसे 4% ठाकुरों के वोट चाहिए, वो भी नहीं मिलेंगे। ठाकुर भाई हैं लाज BJP के साथ में वहाँ का, और क्योंकि वहाँ बिहार का ठाकुर सामंतवादी है, सामंतवादी पे तो दलितों पे उसने जुर्म किया और अभी भी जुर्म हो रहे हैं वहाँ पे, हत्या बलात्कार वो भी वहाँ। देखिए जितने ये माफिया हैं 99% ये ठाकुर माफिया हैं बिहार में, ठाकुर है या ब्राह्मण है वहाँ पे, इन्हीं का एक क्षेत्र राज चला है। तो वो नीतीश कुमार अब समझता है कि 4% ठाकुर बिहार का ठाकुर उसको वोट दे के जिता देगा तो जीत ले। लालू यादव के लड़के ने जो बदमाशी की, आनंद मोहन ये खूंखार अपराधी जिसने दलित को मारा, इसका इससे साफ होता है कि लालू परिवार भी दलित विरोधी है, जिसने उसको ठाकुर उस खूंखार अपराधी के लड़के को टिकट दे के उसे MLA बनाया हुआ है। तो उसी को बचाने के लिए इसको उसने वहाँ के कानून में जेल मैनुअल में बदलाव किया, और जेल मैनुअल चूँकि स्टेट का सब्जेक्ट होता है। मीडिया वास्तव में ठीक कहती है कि बिहार में जंगल राज रहा है लालू के सरकार में, बिल्कुल जंगल राजा है। जिस तरह से उसने आनंद मोहन के लड़के को टिकट दे के MLA बनाया है लालू यादव ने, लालू यादव के लड़के ने, इसका मतलब है कि लालू यादव और उसका लड़का दलित विरोधी है। नीतीश कुमार तो है ही, वो तो BJP का पुर्जा रहा है, यहाँ BJP की सरकार में ये रेल मंत्री रहा है और भी रहा है, और कब किधर पाला बदलते नीतीश कुमार कौन जानते। लालू जी की सरकार में हत्या की गई थी जी कृष्णा जी की, जी वो की गई थी। तो उस समय उसने इतना किया था कि उसको प्रॉपर जाँच करवा के उसको जेल भेजा था, और जिससे कोर्ट ने वो बाकायदा कॉन्टेस्ट किया उसने केस को, और उसको इसको मतलब फांसी की सजा हुई। सरकार की पहल पर लालू ने ये काम अच्छा किया था कि उसको जी उसको आनंद मोहन को बख्शा नहीं था, दोनों को जेल में डाल दिया था। जिन ब्राह्मणों को 1918 में एक ऑर्डर निकाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए इसको जुडिशियल सर्विस में नहीं रखा जाना चाहिए, और आज 99% ब्राह्मण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, कैसे न्याय की उनसे उम्मीद करें। और जब बाबरी मस्जिद की ज़मीन जो 400 साल से बाबरी मस्जिद का कब्जा था, उसमें जब बाबरी मस्जिद की ज़मीन को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से छीन लिया गया और हिंदुओं को दे दिया गया, उसके बाद मेरा न्यायपालिका से भरोसा उठ गया कि अब न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद नहीं है। तो वहाँ सारा सवर्ण हिंदू बैठा है, वो कहते हैं कि हर साख पर उल्लू बैठा हुआ है, हर साख पर सवर्ण बैठा हुआ है, अंजाम में भारत क्या है वो हमें मालूम चल रहा है। ये टोटल दलितों को दबाने के लिए, पिछड़ों को पछाड़ने के लिए, और मुसलमानों को इस देश से भगाने का या उनको ख़त्म करने का सिलसिला यहाँ चल रहा है। और 26 जनवरी 1950 को कहने के लिए तो देश का संविधान लागू हुआ, लेकिन चाहे इसकी नेहरू की सरकार हो चाहे और इनकी सरकार हो, सारे सवर्ण हिंदुओं की और आजतक ब्राह्मण ही ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और उस समय पहले दौर में सारे के सारे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने थे। ये तो अब समझ सकते हैं कि तो ब्राह्मण राज का मतलब है हिंदू राज था, और हमारे लोग नहीं समझ पाए, आज भी उनके गुलाम बने हुए हैं। यहाँ तक नीतीश कुमार का बात है, मुख्यमंत्री है वहाँ का, नीतीश कुमार BJP का पार्ट एंड पार्सल रहा है हमेशा से, और जो आदमी BJP का या RSS के करीब रहता है तो उसकी मानसिक स्थिति है वो उसी तरह की हो जाती है, हिंदुत्ववादी हो जाती है। तो वो और जो RSS का RSS का जो थॉट है वो दलित और मुस्लिम के ख़िलाफ़ है। तो जब ये खुलेआम जब हो गया, कोर्ट से भी साबित हो गया कि आनंद मोहन सिंह ने, ठाकुर आनंद मोहन सिंह ने दिन दहाड़े जी कृष्णैया जो DM थे, IAS अधिकारी थे, उनकी हत्या करवाई, उसमें उनकी पत्नी भी लवली सिंह शामिल थी। हाँ,
वो भी नहीं, लवली नाम था, वो भी शामिल थी। तो ये जो नीतीश कुमार है, ये वोटों को ये समझता है कि राजपूतों के वोटों से वो दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएगा और दलितों के वोट उसको नहीं चाहिए। जिस तरह से उसने कानून में, जो जेल मैनुअल में या जो कानून में वहाँ बदला है बिहार के कानून में, कि जो क्रिमिनल, ड्रेडेड क्रिमिनल, खूंखार आतंकवादियों को निकालने का कोई प्रोविजन नहीं है, जब उसने इससे क्या है कि दलित समाज ही नहीं, पूरा जो अधिकारी वर्ग है वो भी नीतीश कुमार से नाराज है। और इसका आपको रिजल्ट आपको इलेक्शन में दिखाई देगा। और सबसे बुरी बात, आप लालू यादव, जो वैसे तो कहा जाता है कि जी पिछड़ों का मसीहा है, लालू यादव ने उसके बेटे को टिकट देके एमएलए बनाया हुआ है। तो एक आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा बिहार में? फिर देखिए, आम आदमी को आज भी कहाँ न्याय मिल रहा है? ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी, कल को अगर लालू के साथ में इसकी नीतीश की सरकार नहीं बनी तो नीतीश कुमार बीजेपी का सपोर्ट लेके फिर सरकार बनाएगा, फिर मुख्यमंत्री बनेगा। इसको तो किसी भी कीमत पे, जनता दल यू को किसी भी कीमत पे दलित समाज का वोट नहीं मिलना चाहिए, अम्बेडकरवादियों का वोट नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं मिलना चाहिए। वो भी बीजेपी का पैदा है, इधर से उधर होता है, काम बीजेपी का करता है, आरएसएस का करता है। चाहे रणवीर सेना हो, चाहे बथानी टोला हो, लक्ष्मणपुर बाथे कांडो, सेनारी कांडो, जितने भी जो हत्यारोपी थे सबको पटना के हाई कोर्ट ने जो है बरी कर दिया गया। आखिर वो सेशन कोर्ट से सभी को सजा मिली, उम्र कैद और फांसी सजा मिली, हाई कोर्ट ने सबको जो है क्यों रिहा किया? लक्ष्मणपुर जो कांड था उसमें 58 लोग, छोटे छोटे बच्चे औरतों तक को मारा था रणवीर सेना ने। बहुत बड़ा चर्चित कांड था, पूरा देश का, दुनिया जल गई थी, इतना बड़ा नरसिंहार था। उस नरसिंहार पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होते हुए उसको, मतलब 33 लोगों को फांसी की सजा हुई। सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा दी लक्ष्मणपुर बाथे कांड के आरोपियों को, और वो भी हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। इसका मतलब क्या, वो अपने आप सुसाइड की थी उन्होंने, 58 लोगों ने? सबूत नहीं मिले थे ना? अरे सबूत कैसे नहीं मिले थे, सारे सबूत थे। जब सारा मीडिया कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, मीडिया को तलब करो, जिन्होंने छापा के रणवीर सेना ने किया। और उसने कई बार इंटरव्यू में, जो उसका वो था ना, उसका सरगना था, उसे कई बार इंटरव्यू आए कि हमने मारा है, उन्होंने तुरंत क्लेम किया हमने मारा है। और इसी तरह का कांड हाशिमपुरा मलियाना में हुआ, मेरठ में हुआ, उसमें भी पीएससी के लोगों ने सैकड़ों मुसलमान नौजवानों को उनका मर्डर किया था। उसमें भी 17 सेशन कोर्ट ने 17 आरोपियों को, 17 पीएससी के जवानों को मौत की सजा सुनाई, जिसे यूपी हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको भी बाइज्जत करी। भाई जहाँ सवर्ण हिंदू राज है, सवर्ण हिंदू जो मीडिया है, सवर्ण हिंदू सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, और सवर्ण हिंदू पुलिस है, और सवर्ण हिंदू जज है, जुडिशरी है, तो वहाँ न्याय क्या मिलेगा? निचले स्तर पर, मतलब सेशन कोर्ट तक हम जो इससे जो होता है कंपटीशन से हमारे लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ कुछ लोग पहुंच रहे हैं, एससी के, बीसी के पहुंच रहे हैं, मुस्लिम पहुंच रहे हैं, तो वहाँ तो न्याय थोड़ा मिल जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में तो इन्हीं के बैठे हैं, कोलिजन सिस्टम है वहाँ पर। हाई कोर्ट और सुप्रीम, वो हाई कोर्ट का भी जज है, सब पॉलिटिकली होता है, कोई ऐसा नहीं होता बगैर उसके, नहीं होता। हमारा आदमी अगर हाई कोर्ट का जज बनेगा, बड़े पैमाने पर जातिवाद है, 100% जातिवाद है। मैं तो कहता हूँ कि अगर जितने एससी एसटी के जो, अगर वो भाजपा को नहीं छोड़ते आज के माहौल में, भाजपा सत्यानाश कर रही है, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, देखिए वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, समझ गए? अगर कोई मान लो आप उसमें, हो सकता है दलित भी बता दें, वो माझी भी गया था उसकी शादी में, सगाई में शादी भी उसमें गया था, तो ये क्यों जाते हैं? उनका आखा तो कोई सवर्ण बैठा हुआ है या सवर्णों का गुलाम बैठा हुआ है, तो वो उसी के हिसाब से चलेगा, उसकी पार्टी अपने आका के हिसाब से चलेगा, उसके विरोध में नहीं चल सकता। तो ये सारा जो है, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे सब हो, ये बेईमान लोग हैं। और ये इन्होंने जो पैसे का खेल किया है उससे ये डरे हुए हैं, मोदी से डरे हुए हैं, ईडी और सीबीआई से डरे हुए हैं, इसीलिए ये न दलितों की कह सकते हैं, ये पिछड़ों के भी नहीं है, ये पिछड़े समाज में पैदा हुए हैं, लेकिन ये लोग लालू यादव जैसे और ये तेजस्वी यादव जैसे, ये मुझे नहीं लगता कि ये पिछड़ों के भी हमदर्द। तेजस्वी यादव तो सोशल जस्टिस की बात करते हैं बिहार में। अरे तो वो तेजस्वी यादव बताए ना, जो लोगों को दुनिया, इसको अपने बिहार वालों को बताया कि सोशल जस्टिस की बात वो क्यों करता है। इसका मतलब सोशल इनजस्टिस है बिहार में, और सोशल इनजस्टिस करने वाले लोग कौन हैं वो बताए ना तेजस्वी यादव, और वो सारा ठाकुर और ब्राह्मण ये सारे उसमें आ जाएंगे सोशल इनजस्टिस करने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
सोशल इंजस्टिस वालों के खिलाफ अगर वो कार्रवाई करें तब तो हम मान जाएंगे कि तेजस्वी यादव सोशल जस्टिस की बात सही माने में करता है। अगर कार्रवाई नहीं करता उनको उनको बदमाशों को जो खूंखार जो बदमाश हैं उनके बेटों को बेटियों को अगर वो MLA बनाएगा टिकट देगा तो हम उसका सोशल जस्टिस की बात करना उसकी बेईमानी समझते हैं। आप जैसे लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश के दिल्ली के या बहन जी भी कह रही हैं कि गलत हुआ है, लेकिन बिहार के जो दलित नेता हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मामले में खुलकर के? बिहार में सामंतवाद है और सामंतवाद तो ठाकुर साहिब वहाँ पे बहुत पूरी तरह से आता है, ब्राह्मण साहिब पूरी तरह से आवी है और जो 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 पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो भी उसी ब्राह्मणवाद के उससे ग्रसित हैं, उसी ब्राह्मणवाद से वो ग्रसित हैं तो उसी तरह की हरकत वो भी कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में रहते हैं, उन्हीं की तरह हरकत करते हैं। तो दलित वोट बैंक कहाँ जाएगा बिहार में इस बार? देखिए मैं तो ये चाहूँगा कि अगर अल्टरनेटिव नहीं है तो बिल्कुल दलित समाज वोट देने ही नहीं जाए हैं। और वैसे भी ये सारा माहौल है EVM से, यहाँ जो अमित शाह बैठा हुआ है EVM से खेल हमेशा हुआ है और इस बार भी खेल होगा, ऐसा बैलेंस बनाएंगे 10-20 कमी रहेगी BJP खरीद लेगी। और नहीं तो ये नीतीश कुमार 100% आप नोट कर लो, मैं दावे के साथ कहता हूँ नीतीश अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर अगर सरकार नहीं बना पाए तो नीतीश कुमार BJP के साथ फिर मिलकर वहाँ सरकार बनाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये BJP का आदमी है। बिहार में जो सामूहिक हत्याकांड हुए हैं 90 के दशक में, इतने बड़े बड़े हत्यारोपी जो है बरी कर दिए गए हाई कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे न्याय नहीं मिलेगा आम आदमी को, मिलेगा नहीं तो फिर क्या कोर्ट जा पाएगा आम आदमी? देखिए न्याय अब न्यायपालिका, मैंने कहा ना मुझे भाई तेज सिंह को न्यायपालिका से उम्मीद नहीं है, जिस तरह से जो किया बेलची कांड हुआ कितने लोग मारे गए थे, बेलची हुआ बहुत सारे कांड हुए हैं, ये किसके उसमें हुए थे, कांग्रेस के राज में मुसलमानों पर अत्याचार जी कांड हुआ महाराष्ट्र में, सबके सब आरोपी बरी कर दिए गए, सब सारे बरी हो रहे हैं। अब ये तड़ीपार जब बरी हो गया, तड़ीपार को कोर्ट ने एग्जनरेट कर दिया या करवा लिया इन्होंने जैसे भी करके उसका दुरुपयोग करके, बिल्किस बानो के मामले में बिल्किस बानो ने बलात्कार अपने आप कर लिया था। जो मामला हुआ है आनंद मोहन वाला, इसमें सुप्रीम कोर्ट सुमोटो तो ले सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आज तक लिया क्या? मानवाधिकार आयोग भी है, मानवाधिकार आयोग सुमोटो ले सकता है, ये कैसे करे? और सुप्रीम कोर्ट वहाँ उसको सजा हुई है, आजीवन कारावास है, हालांकि फांसी की सजा हुई थी इसको, तो वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं करता जब उसके जो वहाँ से जो कानून बनाया, कानून में बदलाव किया इसने नीतीश ने, तो फिर उसको क्यों नहीं करता? इसका मतलब वो माफियाओं को निकाल के माफियाओं के बल पर चुनाव जीतना चाहता है नीतीश कुमार। और मैं नहीं समझता कि बिहार का दलित समाज और साथ में मेरा मुस्लिम समाज भी इस नीतीश की मंशा को कामयाब नहीं होने देगा, जैसा मुझे भरोसा है।